हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. आप जानना चाहेंगे कि कभी सोचा ना, मतलब हर माँ सोचती है उनके बेटे यू नो बड़ी ऊंचाई पे पहुंचे, आज दोनों बेटों को देख के कैसा लगता है? नहीं, दोनों बेटों को देख के बिना ऊंचाइयों पे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि बेटे हैं मेरे. बट मेरे अभिषेक को बहुत दिनों से ऐसा मन में था कि मम्मी मुझे कुछ डायरेक्ट करना है, मुझे मतलब उसका था बचपन से कुछ ऐसा क्रिएटिव दिमाग का. तो मैंने कहा कि इसका भी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये म्यूजिक वीडियो का, सो मेरे लिए ये छोटी शुरुआत थी क्योंकि डायरेक्ट पिक्चर तो मैं डायरेक्ट नहीं करवा सकती थी या कोई बड़ी वेब सीरीज नहीं करवा सकती. सो इसका जो ट्रेंडिंग चल रहा है म्यूजिक वीडियो का, तो मैंने उसका थोड़ा फ़ायदा लिया. और मेरा ये गाने में सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि सिद्धार्थ और अनीत को तो सारे फैंस प्यार देते ही हैं और सारे लोग जानते हैं वो लोग कितने अच्छे एक्टर हैं. बट मैं चाह रही थी कि अभिषेक का डायरेक्शन कैसा ये लोग जाने. सो मुझे अभिषेक ने डायरेक्ट किया, इसका सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की. और बहुत तारीफ़ें आ रही हैं उसको, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को, तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. अपने दोनों एक्टर से कितनी खुशी क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं. एक्टर तो मेरे बच्चे ही हैं घर के, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इन्होंने मेरे पैसे बचा दिए दोनों एक्टर, क्योंकि दोनों को मैंने फीस नहीं दी है और मैंने ओवर टाइम भी नहीं करने दिया. सो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, इन्होंने मेरे पैसे बचा दिए, तो अभी इससे बड़ी खुशी क्या दे सकते हैं. अटैचमेंट की, क्योंकि इन्होंने पूरी हेल्प की. मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है उनकी मम्मी. सो और जो जितनी अच्छी कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, सो मैंने, सोनिया, वैष्णवी सब ने मार्केट खोज डाला कि जिसमें हमारे बच्चे अच्छे दिखे, क्योंकि हम इन्हें एक्टर ना देखे पहले अपने बच्चे देख रहे थे. सो मुझे लग रहा था कि बहुत सी वीडियो, बहुत से शो आए, सबने देखा है, बट मैं अलग दिखाना चाहती कि किसमें ये क्यूट लगे, कितने प्यारे दिखे. सो हम दोनों मम्मियों ने पूरी मार्केट खोज डाला और कॉस्ट्यूम निकाली इन लोगों के लिए, जो बहुत पसंद आ रही लोगों को. एक कॉस्ट्यूम तो मुझे मिलना चाहिए. अच्छा, आप दोनों से पूछना चाहते हैं शो में दो कॉस्ट्यूम से जिसमें कुछ पहने वो इस डायरेक्टर ने किया कि मुझे सिर्फ ब्लैक पैंट में ही पहना के अपने भाई को दिखाना है, तो वो कॉस्ट्यूम इसकी थी. ओके, अपनी तो सिद्धार्थ आपसे पूछना था कि शो में कोई भी सीन यू नो वेदर इट्स एक्शन और रोमांटिक, और यहाँ पे सीन शूट करने में कितना डिफरेंस था, आप दोनों बता पाए? एक्चुअली देयर वाज कोई डिफरेंस नहीं था. आई थिंक अटैचमेंट में दादा ने हम दोनों को इसलिए लिया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, तो एक अटैचमेंट दिख जाती है. और फिर वो फिर कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, हम दोनों एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं. सो यही अटैचमेंट थी. जब डांस का भी टाइम आया तो ऐसा हो गया कि 30 सेकंड में सबको उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है. और हम दोनों काम डाउन, आई वाज लाइक काम डाउन, तो हम दोनों एक दूसरे को काम डाउन करके शूट कर रहे हैं. जी, ओके. डांस सीक्वेंस की बात करें, आप दोनों ही बहुत अच्छे डांसर हैं, लेकिन अगर एक का नाम ले पाए यू नो द बेस्ट डांसर, तो आप दोनों में से कौन हो? मैं वैसे वाकई बहुत अच्छे डांसर हैं. अच्छा, नहीं नहीं आपसे पूछना चाहते कैसा था डायरेक्ट करना, या ये भी था क्योंकि यू नो फैमिली ही है, तो डायरेक्ट करना कितना आसान हुआ या मुश्किल हुआ? डायरेक्ट करना सी टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरे लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज थी क्योंकि सब कुछ पहली बार ही आ रहा था और पहली बार हर चीज फेस करनी थी. आसान मेरी फैमिली है, सिद्धार्थ, अवनीत, आंटी, इन सब ने मिलकर बना दिया. जितना सपोर्ट मुझे किया है उस चीज़ से मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो मतलब मन इतना हल्का था कि आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी. क्योंकि जब फैमिली का सपोर्ट होता है तो यू कैन मेक एनी थिंग पॉसिबल. सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक अवनीत, सिद्धार्थ, अवनीत पेरेंट, माई मम्मी, प्रोड्यूसर, एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड मेकिंग अटैचमेंट यू नो पॉसिबल. जी, अच्छा, आप दोनों से पूछना, जब पहली बार एक दूसरे को मिले थे, यू नो आई थिंक अलादीन के पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, और अब तो कभी पता था कि इतने लंबे तक आप दोनों का एसोसिएशन जाएगा? जाएगा क्या, ऐसे ही जाता रहे मैं चाहूँगा. और बस मैंने अटैचमेंट एमओयू साइन करवाया एसोसिएशन का. आई नो हिम, चंद्र नंदिनी में हम लोग फर्स्ट मिले थे. आई प्लेड चारुमती एंड ही वाज प्लेइंग बिंदुसार. सो आई नो हिम सिंस देन एंड इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, एंड आई होप कि ऐसा ही हो हमेशा और हमारी फ्रेंडशिप हमेशा रहे. राइट. आगे का क्या प्लान है? अगर आपके यू नो जो आप दोनों का एक एसोसिएशन है रणवीर, उससे और क्या कॉन्टेंट हम देख सकते हैं? प्लीज़, एक्चुअली अभी अटैचमेंट आ रहा है, अटैचमेंट बड़ा हो जाए, अटैचमेंट और बढ़िया दिखे, ताकि हम वी आर ओपन टू एवरीबडी जो आके हमें बोलेंगे कि यार हमारा कंटेंट है बहुत अच्छा है,
तो हम बस हम चाहते हैं कि जिनका कंटेंट नहीं आ पा रहा है, जो अपना कंटेंट देना चाहते हैं, तो उनका कंटेंट लेके अगर किसी को सपोर्ट मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो ऑफकोर्स वी वांट टू गिव दैट टू देम. और बस हम लोग ने प्लानिंग शुरू कर दी है बॉर्न ब्रॉस, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो अभी इसके ऊपर ही सारा आगे का डिपेंड है. तो हम देखेंगे कि आगे अटैचमेंट कितना बड़ा होता है. उसके बाद हमने आगे के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट प्लान किए हैं, तो यू गाइज नीड टू स्टे ट्यून्ड. और इसी तरह यू नो लाइक वी विल मेक यू लाइक प्राउड 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 प्राउड. वेल हम दोनों ने डिसाइड किया है कि ये जो हमारा बॉर्न ब्रॉस जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम यू नो अच्छे कंटेंट डालेंगे, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा रहेगा कि ये सबके लिए है, जो भी हमारे पास लेके अच्छा आएगा, और हम खुद भी ढूंढेंगे, खुद भी सर्च करेंगे, तो जो भी हमारे पास लेके आएंगे गाना या फिर कोई भी अच्छा कॉन्टेंट, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे अच्छे से. और सेकेंडली ये कि जितना भी मतलब संभालना है दादा को संभालना है. ओके, लास्टली से पूछना चाहेंगे एक ऐसी चीज़ जिससे अटैचमेंट होना अच्छा है, एंड एक ऐसी चीज़ जिससे आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा अटैच हो, वो कौन सी चीज़? आई थिंक जो पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, जो पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, जो पर्सन आपको सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, उससे अटैचमेंट सबसे अच्छी है. और बुरी आदतों से अटैचमेंट बहुत बुरी है. सेम अब हमने आपके लिए अटैचमेंट ले आए हैं, तो आप भी बस उनसे अटैच हो जाइए, उस सॉन्ग से अटैच हो जाइए, उसे ढेर सारा प्यार दीजिए, उसे मिलियन बिलियन तक ले जाइए, और दैट्स इट. ओके, लास्टली गाने के प्लीज, अभी इतना ऑलरेडी गुनगुना दिया, अगर आप लोग भी कुछ गुनगुनाए. गलती क्यों करवाई? रवनीत ने अच्छा गाया है. मैं और हम तो बहुत नर्वस हैं. किसी को माइक दो, यही अच्छा गाती है. सिद्धार्थ तो रैप कर सकता है. हां, रैप कर सकता है. आई कैच इट. नेक्स्ट वीडियो में रैप कर देता हूं. हां, ठीक है. Join me, no? Chalo, three, two, one. Kadi hai tere naal attachment hoi ve, pehla pehla hass de te baach vakroi ve. Kadi hai tere naal attachment hoi ve, pehla pehla hass de te baach vakroi ve. Thank you so much. भाई हैं बड़े, ये हमारा मतलब था कि बचपन से ही था कि हम साथ में कुछ करेंगे, और आई थिंक ये छोटी सी शुरुआत है हम दोनों के लिए, जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, अपनी दुआएं दें, आशीर्वाद दें हमें, और हम इस बॉर्न ब्रॉस को लेके बहुत आगे तक जाएं और बहुत ग्रो करें. आमीन. और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कृपा को, शाही को, रवि मेरा दोस्त वो आया नहीं है उनको, शशांक भैया को, वैष्णवी दीदी को, अभी आई थिंक वैष्णवी दीदी नहीं आई है, तो उन सबको भी थैंक्स कहना चाहूँगा. क्योंकि गौतम को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरा जो बिहाइंड द कैमरा संभालने की टीम लगती है, उन्होंने वो टीम बन के इस अटैचमेंट को बनाया है. तो ये जो अटैचमेंट है, ये वाकई ही सबके अटैचमेंट के साथ वीडियो बनी है, और पूरे प्यार के साथ दिल से ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए आई थिंक सबको इतनी पसंद आई है. तो थैंक यू सो मच. मैं थोड़ी सी तारीफ सिद्धार्थ की और रवनीत की भी करना चाहूँगा, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा कर दी है सबकी. बट दिस अटैचमेंट वुड हैव नेवर बीन पॉसिबल विदाउट देम. अटैचमेंट एक्चुअली मेरे ख्याल से अब अगर मैं इमेजिन करूँ, और जब मैंने पहली बार ये गाना सुना, तो मतलब एक होता ना कि चलो किसी और का ख्याल आ जाएगा, बट कभी भी मतलब सुनते ही ये गाना हमारे मतलब हम दोनों ने सुना था, बट ये भी पता था इस पर ले किसको करे, किसके साथ ये बनाए, किसके साथ जाए. सबसे पहला ख्याल आया था हमारे दिमाग में सिद्धार्थ का, एंड देन सिद्धार्थ अवनीत का. तो ऑफ कोर्स ये दोनों इतने ज़्यादा मेहनती हैं, इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग एक्टर्स हैं, कि लिटरली जो मैंने पहली बार डायरेक्ट किया है, जो मैं जितना नर्वस था, इनकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं रहा. एक्चुअली ये दोनों ने अपने आप ही इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में कर ली कि शायद मैं बस वेरी गुड बहुत अच्छा इतना ही किया है मैंने. तो आई गेस ये अटैचमेंट इन दोनों के लिए बहुत मतलब इन दोनों की वजह से है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैप फॉर बोथ ऑफ यू. उसके बाद अटैचमेंट वाकई में किसकी वजह से है, किसने हमें थोड़े पैसे दिए, वो हमारी मम्मी जिनकी वजह से हुआ है ये अटैचमेंट. और आज सर ऑफ अटैच भी है, और सबसे अच्छी बात है कि आज इनका बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे मम्मी.
लिए हमें एक्चुअली हमने कल लॉन्च कर दिया है वीडियो, और बिकॉज सिद्धार्थ ट्रैवल कर रहा था, मम्मी ट्रैवल कर रही थी, तो हमने वीडियो कल लॉन्च किया, बट आप सबको दिखाने के लिए वीडियो स्पेशली हमने आज 4 तारीख की डेट, इनके बर्थडे की डेट डिसाइड की है, क्योंकि हमारे बर्थडे पे गाना मतलब हमारा लेबल जो है लॉन्च हुआ था, ये गाने की अनाउंसमेंट हुई थी, और इससे अच्छी और मतलब ऑटोमेटिकली हमने कुछ प्लान नहीं किया था, वो क्या हुआ कि काम करते करते सब चीज़ें ढीली मेली होती गई, ऑटोमेटिकली आज मम्मी के बर्थडे पे ये चीज़ आई है, तो ये मुहूर्त भगवान ने निकाला था अटैचमेंट का, तो आई होप अभी अटैचमेंट आप सब इसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, और यू नो लाइक ढेर सारे व्यूज एंड लाइक इसको मिले। मैं चाहूँगा कि अंकल और आंटी आप भी यहाँ पे आइए, क्योंकि अवनीत आपकी वजह से आइए। नहीं, जो भी इतनी अच्छी कॉस्ट्यूम या जो भी डिजाइन देखी, तो इस पूरे वीडियो की कॉस्ट्यूम डिजाइनर सोनिया आंटी और मम्मी है और वैष्णो दीदी है, तीन महारथी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। अटैचमेंट मतलब फैमिली में ही बनाया कि एक छोटी सी शुरुआत करते हैं सारे लोग मिलके, और सक्सेस होंगे तो फिर और एल्बम बनाते ही रहेंगे, फिर टीम बनेगी, सभी हमारी दो फैमिली की टीम है, और ये गाना लॉन्च किया, सबको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा। अभी 1 मिलियन क्रॉस हुआ है और आई थिंक बढ़ता जा रहा है, मैं चाहूँगा कि 100 मिलियन तक जाए, और ये तभी जाएगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, सिडनीप को सपोर्ट करेंगे और इस अटैचमेंट को सपोर्ट करेंगे, तो थैंक यू सो मच। किसी भी सवाल हो तो पूछिए, आपके सवाल है आपका अपनी मर्जी से, हमने बहुत बोला है। आप लोग मतलब मेरा बर्थडे था, सो साथ में अभिषेक ने कहा कि नहीं मम्मी हम पार्टी करते हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरी मीडिया बहुत परेशान हो जाती है पार्टी में, तो हम सिर्फ आज मीडिया ही रखेंगे, और मैं मीडिया के साथ बर्थडे मनाऊंगी, पार्टी आप लोग के लिए ये स्पेशल। सिद्धार्थ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डांस करना, ये केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है सॉन्ग, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा वो बताइए। एक्सपीरियंस मैं ये बोलूँगा कि मुझे बहुत प्राउड फील हुआ ये वीडियो करते वक्त, क्योंकि इसमें जो डायरेक्टर हैं वो मेरे बड़े भाई, जिन्होंने ना कि सिर्फ ये वीडियो एडिट करी है, मेरी पूरी लाइफ को एडिट करी है, बचपन से अभी भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, और इसीलिए बॉन्ड ब्रॉस है, गुड ब्रदर्स बॉन्ड ब्रॉस, और इन्होंने जब वीडियो है जैसे रोल रोलिंग एक्शन उन्होंने बोला ना, तो 2 मिनट के लिए ऐसा था तो, और मैंने उनसे कहा भी कि अब तक अगर मैं बेस्ट दिखाऊं वीडियो में तो ये वीडियो है, बिकॉज इसमें दादा ने बहुत ही अच्छे से मेरी बॉडी का इस्तेमाल किया है, फुल एब्स दिखाया है, फुल एक्शन दिखाया है, फुल डांस दिखाया है, बिकॉज बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि डांस करना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं डांस, और साथ में अवनीत भी थी, तो बहुत अच्छे से प्लान करके इस वीडियो को बनाया गया है, और ये वीडियो मेरे लिए आई थिंक ये फॉरएवर स्पेशल वीडियो है, बिकॉज अवनीत भी है मेरे साथ, और आप सबको पता है कि अवनीत ने बहुत सपोर्ट किया इस वीडियो में, तो मैं स्पेशल थैंक्स अवनीत को भी कहना चाहूँगा कि उसने सेट पे प्रमोशन से लेके सिद्धार्थ ये करना है, ये वीडियो बनानी है, ऐसे टिकटॉक्स बनाने हैं, जितने भी कॉन्टेंट हैं ये सब अवनीत मुझे बता रही थी, तो थैंक यू मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग, सो थैंक यू अवनीत, थैंक यू सब लोगों ने मेहनत की है, सबने इसमें अपना बेस्ट दिया है, एंड डेफिनेटली डांस बहुत इम्पोर्टेंट था इसमें, इस बात से मैं कुछ कहना चाहूँगा, रही बात अवनीत की मेहनत में, उसने क्या किया, वो ऑलरेडी बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो आप बीच में डांस सीक्वेंस आप लोग जो देख रहे हैं सिद्धार्थ और अवनीत का, जहाँ पे ये सिद्धार्थ से रूट के जा रही है, वो ऑन द स्पॉट प्लान हुआ, मनन जो मेरा हमारे यहाँ जो अटैचमेंट का कोरियोग्राफर है, उसने ऑन द स्पॉट वो चीज़ सोची, वो चीज़ दोनों को बताई, और बेस्ट पार्ट अवनीत ने पट 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 लाओ हो गया रेडी टेक इट, वो 20 सेकंड में पूरा कोरियोग्राफ हुआ और 10 मिनट में प्रश्न हुआ, तो अवनीत के लिए बस वो सारा क्रेडिट अवनीत को भी जाता है, सिद्धार्थ को भी जाता है, कि इतना स्पॉन्टेनियसली हर चीज़ को कर लेना और इतना बेहतरीन करना जो आप लोग देख रहे हैं, वो उसका सारा श्रेय इनके ही टैलेंट को जाएगा और इनको ही जाएगा। ओ, आपने डायरेक्ट भी किया है, थोड़ा कुछ बताइए, मतलब आपकी फिल्म भी आने वाली है, तो डायरेक्शन किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस?
मेरी रैगिंग कर रहे हैं ठीक के साथ मैंने कहा रे बचा के जी बस अभी मैंने क्या बोला अभी मैं डायरेक्टर मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है एज अ बोलना क्योंकि डायरेक्टर एक बहुत बड़ी मतलब मेरे हिसाब से ये तो कैप्टन ऑफ द शिप और बहुत बड़ी पोस्ट होती है तो मैं अभी यहाँ लिखा जाता है इसलिए लिखाया गया है अदरवाइज मतलब अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और इससे भी अच्छी चीज़ें करने हैं और ये जो हमने भी लेबल खोला है बॉर्न ब्रॉस रिकॉर्ड्स इसमें हमने प्लान किया कि इसमें और जितना अच्छा कंटेंट वीडियो वाइज ऑडियो वाइज और थोड़ा डिफरेंट आउट ऑफ द मार्केट कंटेंट जो हर बार जिसको आप लोग देखें तो आपको ऐसा लगे कि यार कुछ नया देखने को मिला है तो हम उस कोशिश की तरफ बढ़ेंगे एज अ डायरेक्टर और एज अ बॉर्न ब्रॉस का मतलब यू नो सोचने के लिए अगर हम देखें तो आगे हमें उस चीज़ को एक अच्छी दिशा में लेके जाना है और इसी तरह से काम करना। थैंक यू सर। थैंक यू।